Hello, my dear friends, this is Ajay Mishra and we are going to start our discussion on geography, that is class 3, and this is universe and the solar system part 3. Today we are going to discuss about the planets as well as satellites. So what are the planets? You know about the stars. Stars, they have their own light emitting system. Planets, they revolve around the stars, right? किसी भी स्टार के होगा और they don't have, इनका यही क्राइटेरिया है, they don't have their own light. तो what will they do? They will reflect. और क्या क्राइटेरिया होती है? Planets, planets have their own orbit also. कभी किसी की ऑर्बिट को काटते नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस एनी अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट, दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड एज प्लैनेट. और कोई भी जो प्लैनेट के चारों तरफ कोई स्मॉल बॉडी रिवॉल्व कर रही हो, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सैटेलाइट. तो सन के चारों तरफ घूमते हैं प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो आपको पता होगा इंडिया ने अपने खुद के सैटेलाइट बहुत सारे डाले होंगे और इसका जो मून है वो तो सैटेलाइट है ही. ये नेचुरल है मून और ये जो आपका हमारे इंसेट्स हैं, आईआरएस सैटेलाइट्स हैं, अपोलो एंड ऑल, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं डिटेल में. ये हैं प्लैनेट्स. प्लैनेट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक व्हिच मींस अंडर वंडरिंग स्टार. ऐसे स्टार जो वंडरिंग कर रहे हैं, ये मीनिंग है, बट दे आर नॉट स्टार. दरोगा कहने से आदमी दरोगा नहीं हो जाता, ठीक है ना? नाम रख दिया गया है इनका. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ हेवनली बॉडीज हैं जो घूमती रहती हैं. ये सन है, मान लेते हैं ये एलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे ये घूम रहे होते हैं. अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड There were 9 planets in solar system, but lately one planet called Pluto, Pluto को हटा दिया गया और अब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है Pluto को dwarf planet. अगर वो साधारण इंसान जैसा बड़ा ना हो तो उसे नाटा कहने लगते हैं, बौना कहने लगते हैं. तो वो जो बौना ग्रह है ये Pluto, पहले ऐसा नहीं था बट इसको हाल ही में प्लूटो को बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज ड्वार्फ प्लैनेट. सो व्हाट वर द क्राइटेरिया कि प्लेटो, पहली बात तो यह है कि इसका इतना मास नहीं था, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था कि ये अपने सैटेलाइट पैदा कर सके. कोई भी सैटेलाइट को घुमाने के लिए इसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था. और दूसरा था कि अपने आसपास के जो ऑर्बिट्स थे उनको भी काटा करता था. तो अगर तुम दूसरे के ऑर्बिट को काटोगे, दूसरे का माल हड़पने की कोशिश करोगे, तो यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज अ प्लैनेट एंड दैट्स व्हाई यू आर अ ड्वार्फ प्लैनेट, नीच इंसान, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट प्लेटो, इसका नाम बदल दिया गया है. अब इसे ऑल प्लैनेट्स फॉल इन टू ग्रुप्स, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. मर्करी, वीनस, मार्स एंड अर्थ आर कॉल्ड इनर प्लैनेट. इनको ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी, मैंने बताया था ना, वो भी कहते हैं. आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोवियन प्लैनेट. इनर क्यों? बीच में आपने पता हो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर की तरफ इनको इनर प्लैनेट और उसके बाहर की तरफ इनको आउटर प्लैनेट नाम दे दिया गया है.
नाउ बिटवीन इनर एंड आउटर प्लेनेट देयर इज अ रिंग ऑफ स्मॉल बॉडीज व्हिच आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. मैंने बताया था आपको एस्टेरॉइड्स, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. दे ऑल्सो कीप मूविंग अराउंड द सन, दिस रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट. ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट आपको पता ही होगा कहाँ पाया जाता है, ध्यान से देखेंगे इसको. मरकरी वीनस अर्थ मार्स, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, इसका एक कोड बना लेंगे आप लोग याद रखने के लिए और बार बार रिविजन करेंगे तो पहुंच जाएगा. ध्यान रखना है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं ये. दे आर फाउंड, एस्टेरॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. द फर्स्ट प्लैनेट विल बी मरकरी एंड द लास्ट प्लैनेट विल बी नेपच्यून. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस दिस वे. नाउ मरकरी, सबसे पहले मरकरी से शुरू करते हैं भाई सब खेल. इट इज नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड्स, रोमन गॉड्स थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया. इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सबसे क्लोज है प्लैनेट सन के. एंड लार्ज वेरिएशंस इन डे 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम. याद रखना है कि ये जो सबसे पास में होगा, सिंपल सी बात है, सन की लाइट इस पे बहुत ज़्यादा पहुंचेगी, तो इसका जो डाइवर्नल टेम्परेचर होगा वो सिंपली बहुत हाई होने वाला. वाई? बिकॉज का रोटेशन स्पीड भी बहुत स्लो है. तो रोटेशन अगर स्लो है तो सिंपल सी बात है एक सरफेस एरिया काफ़ी समय तक सन के सामने होगा और इसलिए एक जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगी, जबकि दूसरा सरफेस एरिया जो होगा वो सन से काफ़ी समय तक उस पर लाइट नहीं पहुँचेगी, तो बहुत ठंडा हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट्स वाई एक तरफ तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस में और दूसरी तरफ माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस में. द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट्स ऑर्बिट इज द मोस्ट नॉट फुल्ली सर्कुलर, ये फुल्ली सर्कुलर नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, देयर इज नो वाटर और एटमॉस्फेयर. सिंपल सी बात है बहुत गर्म है तो इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. बहुत छोटा है इसलिए इस पे ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि गैसेस को वो रोक सके. इन द सेम वे एज आवर मून इज, मून की ग्रेविटेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो गैसेस को रोक सके अपने सरफेस पे, और गैसेस क्या करती है माइग्रेट कर जाती है इसके सरफेस से. देर इज़ नो वाटर और एटमोसफेयर, इट कैन बी सीन विद नेकेड आई, इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है. इट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अबाउट 88 अर्थ डेज, ये सन का एक चक्कर 88 डेज में लगा सकता है और इसलिए सबसे ज़्यादा तेजी से घूमने वाला, सबसे ज़्यादा तेजी से इसका रिवॉल्यूशन करने वाला ये प्लैनेट बन गया है. सन का एक चक्कर सबसे तेजी से लगाने वाला प्लैनेट बन गया है. देयर आर नो सीजन्स ऑन इट्स सरफेस, कोई सीजन नहीं है क्योंकि सीजन होने के लिए टिल्ट का होना ज़रूरी है और ये बहुत ऑलमोस्ट 3 to 4 डिग्री या 5 डिग्री तक ही इसका टिल्ट है. व्हाट डज मीन बाय टिल्ट, टिल्ट का क्या मतलब होना होता है? टिल्ट का मतलब होता है ये जो प्लैनेट है ये इस तरीके से सन के चक्कर लगाए, ना कि इस तरीके से. टिल्टी की वजह से हमारी अर्थ पे 4 सीजन होते हैं क्योंकि सनलाइट टिल्टिंग की वजह से अलग अलग एरिया पे पड़ती है और सन का मूवमेंट लगभग ऐसा होता है जिसकी वजह से कभी ये हाई ज़्यादा होगा, कभी यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा और इस वजह से जो सीजन होंगे बदलते रहेंगे. लेकिन चूंकि इसकी जो टिल्टिंग है वो बहुत कम है, ओनली ऑलमोस्ट 5 डिग्रीज, तो लगभग कोई सीजन यहाँ पे नहीं पाए जाते. नाउ वीनस, वीनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हील्ड प्लैनेट. इसे व्हील्ड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड हैं. थिक क्लाउड, क्लाउड किस चीज़ के हैं? क्लाउड हैं सल्फर के, क्लाउड हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्लाउड हैं अमोनिया के. ये सारे क्लाउड इतने ज़्यादा डेंस हैं, इतने ज़्यादा डेंस हैं कि जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो 75% रिफ्लेक्ट कर दी जाती है. सोच के देखना, एक शीशा क्या होता है, एक शीशा, एक ग्लास, अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को पूरी तरीके से तो वो ब्राइट हो जाएगा और इसलिए इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है.
ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट्स? यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस, बहुत ही डेंस ग्रीन हाउस, यानी 25% लाइट जो इंट्री कर रही है, 25% लाइट जो इंट्री मार रही है यहाँ पे, उसे भी निकलने नहीं दिया जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो रेडिएशन को आसानी से बाहर नहीं जाने देती। तो इतनी हॉट ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से, इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं जा पाता, और इसलिए इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा, इसका एटमॉस्फेयर गर्म है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉटेस्ट प्लैनेट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। इसे लव और ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो हमारे वीनस है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये जो एक और ख़ास बात इसकी ये है कि ये अर्थ हमारा जो है 365 डेज में एक राउंड लगाता है, लेकिन ये 225 डेज में ही एक राउंड पूरे सन का लगा सकता है। ये अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कब पहुंचता है? जब सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो, जब तिरछी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर तो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो अर्थ पे पहुंचती है, क्योंकि अर्थ के बगल में ही है, अर्थ पे पहुंचती है, तो अर्थ पे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। तो किसे कहते हैं इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? वीनस को कहते हैं। वीनस को हिंदी में शुक्र भी बोला जाता है। वीनस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर और ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो ट्विन प्लैनेट किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर साइज में लगभग है, और इसका जो मास है वो लगभग अर्थ के बराबर है। अब हम चलते हैं अर्थ पे। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट बिकॉज 70% ऑफ इट्स सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपको याद होगा लगभग 71 लोग कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 1/3 ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स। ये जितना भी सनलाइट इस पे पहुंचता है लगभग 1/3 ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्स द लाइट एंड क्रिएट्स अ ब्लू इफेक्ट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ। ये सिर्फ एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट्स ऑर्बिट, इट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अबाउट 365 अर्थ डेज। ये 365 डेज में एक चक्कर पूरे सन का लगा लेता है। इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस दस क्रिएटिंग डे एंड नाइट। इट टेक्स 24 आवर्स टू डू दैट। ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, और जिसकी वजह से यहाँ पे सीजन बनते हैं, और इसे 24 आवर्स लगता है अपने चारों तरफ घूमने में, रोटेट करने में। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन ड्यू टू इट्स टिल्ट, सीजन्स आर क्रिएटेड। सीजन होते हैं आपको याद होगा, हाँ। ड्यू टू ग्रेविटी द लेयर ऑफ गैसेस रिमेन अटैच टू इट। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं जा पाती, और इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इट प्रिवेंट्स टू मच हीट और यूवी रेज फ्रॉम सन। अल्ट्रावायलेट रेज भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पे ओजोन होता है, आपको याद होगा। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज कॉल्ड मून। ये है अर्थ की कुछ खास बातें। जो मून है इसका जो डायमीटर है कि अर्थ का 1/4 है। इट लुक्स बिगर टू अस एज इट इज वेरी क्लोज टू अस। ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये बहुत क्लोज है, अदरवाइज ये बहुत छोटा है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर है क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है। सो देर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। दूसरा, इसका जो रोटेशन पीरियड है 27 डेज है, और रिवोल्यूशन पीरियड भी 27 डेज है। तो 27 डेज में एक डे और एक नाइट होगा, तो टेम्परेचर एक सरफेस का बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, और दूसरी सरफेस का बहुत कम होगा। सोच के देखो, सनलाइट इधर पड़ रही सरफेस पे और पड़ती जा रही 27 डेज तक, तो टेम्परेचर इस एरिया का तो बहुत ज़्यादा होगा जबकि इस एरिया का लो होगा। तो अर्थ का मून जो होगा दैट इज 27 डे। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑन मून। एज देर इज नो एटमोसफेयर, देर इज नो वेदर, नो रेन, नो विंड, नो क्लाउड,
एंड नो लाइफ. लाइफ लाइक एवरीथिंग एल्स इन सोलर सिस्टम, मून ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट शाइन्स ड्यू टू सन्स लाइट. ये भी सन की लाइट से ही करेगा और ये प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है अर्थ के, इसलिए इसे सैटेलाइट बोलते हैं. देयर इज नो वाटर ऑन इट्स सरफेस. मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ. जो मून की ग्रेविटी है 1/6 है. सो योर वेट वुड बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ. जितना वेट अगर आप मान लेते हैं 100 किलो के हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 16 किलोग्राम आप ही वेट दिखेगा आपका. द मून इज द ओनली सेलेसियल बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फूट. अभी तक जो ह्यूमन जा चुके हैं वो सिर्फ चांद ही है जहाँ तक पहुँच सके. नील्स आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून एज द कमांडर ऑफ द अमेरिकन मिशन अपोलो 11 बाई फर्स्ट सेटिंग फूट ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969 में जो नील आर्मस्ट्रांग हैं उन्होंने पहला कदम रखा. पहला कदम इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इनका साथी पहला कदम रखने से डर रहा था, इसलिए पहले इंसान हो गया. अदरवाइज उसको पहले अपॉर्चुनिटी थी. मार्स, इट इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड रेड प्लैनेट. द आयरन ऑक्साइड प्रीवेलेंट ऑन इट्स सरफेस गिव्स इट द रेडिश अपीयरेंस. ये लाल इसलिए देखता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है यहां पे. रेड कलर है तो रोमन गॉड ऑफ वॉर, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉर के लिए तो इसे जाना चाहेगा. मार्स हैज अप्रोक्सीमेटली हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. इसका उतना डायमीटर जितना अर्थ का डायमीटर उसका आधा है. इट हैज टू सैटेलाइट्स. द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज हाफ ऑफ द अर्थ. इसकी ग्रेविटी है, जाहिर सी बात है, आधा होगी क्योंकि डायमीटर आधा है. जो एटमॉस्फेयर है मार्स का वो 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन एंड 1.6% आर्गन है. ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी. इट ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन एंड वाटर बट इट इज अ वेरी लो. राइट, तो थोड़ा सा मात्रा इसका, इसलिए यहाँ पे लाइफ थोड़ा सा एग्जिस्ट करना अभी. लेकिन कहा नहीं जाता लाइफ यहाँ पे है नहीं. अभी इस पर खोजा जा रहा है और मार्स मिशन भेजा गया है. अभी जल्दी जल्दी हमारा एक मिशन मार्स का सक्सेसफुल हुआ है, जबकि जो हमारा चंद्रयान 2 था वो फेल हो चुका है. तो अभी मार्स पे जाने की तैयारी एक टीम तैयार की जा रही है जो कि भेजी जाएगी और वहाँ पता लगाया जाएगा लाइफ है कि नहीं है. मार्स ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम. सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म भी मार्स पे ही आता है पूरे सोलर सिस्टम में. फिर है जुपिटर. जुपिटर को अगर सुपर प्लेनेट कहा जाए तो ये कोई कम नहीं है. इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, रूलर ऑफ रोमन गॉड्स. देखो रूलर है क्योंकि ये सारे प्लेनेट में ये राजा है, सुपर प्लेनेट कहा जाना चाहिए. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट विद इन द सोलर सिस्टम. इट हैज ए ग्रेट रेड स्पॉट. इट इज अ रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम इन साइड द प्लैनेट. ये रोटेटिंग स्टॉर्म नाम दिया इसने. रोटेटिंग स्टॉर्म, ये क्यों रोटेटिंग स्टॉर्म कहा जाता है? एक्चुअली जो जुपिटर है ये सबसे ज्यादा रोटेशनल स्पीड है. ये 10 दिन में ही अपना एक चक्कर लगा लेता है. 10 आवर्स में एक राउंड लगा देता है. अर्थ कितने में लगाती है? 24 आवर्स में. जरा सोच के देखें कि 10 आवर्स में अगर कोई एक चक्कर लगा लेता होगा तो कितनी तेजी का रोटेशनल स्पीड होगी. अगर रोटेशनल स्पीड ये इधर की तरफ घूम रहा है तो सारा जो है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर होगा वो इसको लैग बिहाइंड हो जाता है. वो इनर्शिया की वजह से इसके साथ पूरा नहीं घूम पाता है. एंड दैट क्रिएट्स ह्यूज कोरियोलिस फोर्स. ह्यूज कोरियोलिस फोर्स. अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है थोड़ा ये भी देख लेते हैं. कोरियोलिस फोर्स ऐसा होता है, अर्थ के ऊपर भी अर्थ जो भी रोटेट करती है उस पर एक कोरियोलिस फोर्स लगता है. अर्थ पे अगर किसी भी चीज को आप भेजें सीधा फेंकने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए एक बॉल को उठाया और यहां से हमने सीधा फेंका, कभी भी ये सीधा नहीं जाएगी. ये हमेशा अपने राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मुड़ जाएगी. इसी तरीके से अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में सीधा भेजने की कोशिश करेंगे तो ये इधर के
इधर के बजाय किधर जाएगी, अपने राइट घूम जाएगी। यही कोरियोलिस फोर्स है। अब ये तो तब था जब 24 आवर्स में अर्थ अपने एक चक्कर लगाती है। अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट अपने एक चक्कर सिर्फ 10 घंटे में लगाए, जो अर्थ जैसे पता नहीं कितने प्लैनेट इसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा है ये, तो सिंपल सी बात है कि जो कोरियोलिस फोर्स भी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पे फेंका जाए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा इधर की तरफ, तो ये अगर अर्थ पे इधर जा रहा है तो पूरे जो जुपिटर पे लगभग इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा, यानी आप इधर भेजना चाहते हो और वो इधर पहुँच जाता है। और ये चीज़ क्या क्रिएट करती है, स्टॉर्म क्रिएट करती है, क्योंकि अगर हवा इधर चलना चाहती है और इधर चलने लगती है और इस तरीके से एक सर्कुलेशन मोशन शुरू हो जाता है हवा का और स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट। तो ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पाया जाएगा, जुपिटर पे पाया जाएगा। जुपिटर रोटेट्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट और 10 घंटे में रोटेट कर जाता है। जुपिटर हैज़ ए फेंट रिंग सिस्टम, इसके पास रिंग भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया नहीं है, ये डस्ट के बने हुए लगते हैं। दिस इज ऑल्सो विंडी प्लैनेट एज द फास्ट रोटेशन कॉजेज हाई विंड्स। इट हैज़ 16 प्लैनेट्स, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 16 तो बहुत पहले थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके। अब हम चलते हैं सैटर्न पे। Saturn is the sixth planet from the sun and the second largest planet in the solar system after Jupiter. ये दूसरा है, second है largest planet. It is named after Roman god Saturn. Saturn is classified as the gas giant planet. ये पूरा गैस से मिलके बना हुआ है और इस पर बहुत बढ़िया रिंग सिस्टम बना हुआ है। इसको रिंग हमेशा देखना, Saturn के चारों तरफ रिंग दिखाया जाएगा, बहुत ही प्लांट तरीके से रिंग है। वाई, बिकॉज गैसियस प्लैनेट है तो गैस के बड़े अच्छे रिंग बनेंगे। Saturn rings are made up of ice and ice-covered particles. जो ये ice-covered हैं, गैस के जो आइस बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आइस बन जाएगा, सारे आइस, तो क्या होते हैं, इन पार्टिकल से मिलकर के रिंग बनते हैं। इट हैज़ 22 नॉन सैटेलाइट्स, अभी और ज़्यादा हो गए, अराउंड 65। इट कैन बी सीन बाई नेकेड आई, से अपनी नंगी आंखों से देखा जा सकता है बिना किसी टेलीस्कोप के। Saturn is 95 times heavier than Earth. ये 95 टाइम्स मोर है। इट टेक्स सैटर्न 10,759 अर्थ डेज और अबाउट 29 एंड हाफ ईयर्स लग जाते हैं इसको एक सन का रिवॉल्यूशन करने में। सिंपल सी बात है कि बहुत ही दूरी है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा इसकी एक खास बात को रहे कि यहाँ पे जैसे जुपिटर पे ग्रेट रेड हॉट स्पॉट पाया जाता है वहां पे, इसी तरीके से यहां पे ग्रेट वाइट स्पॉट भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी लगभग जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो लगभग जुपिटर के बराबर ही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी जो कोरियोलिस फोर्स होगा बहुत ज्यादा होगा और यहां पे भी स्टॉर्म आएगा, और उस स्टॉर्म को सैटर्न के लिए बोला गया है ग्रेट वाइट स्पॉट। Uranus appears to lie on its side. Appear, ये बेचारे side, ऐसा लगता है कि ये लेट हो गए हैं, अपने side में ही लेट गए हैं। It is named after the Roman god of sky. इनको Roman god of sky के नाम पे इनका नाम दिया गया। The only planet which rotates on its axis from east to west. ये अपनी axis पे rotate करता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, बाकी सारे लोग वेस्ट टू ईस्ट की तरफ करते हैं, जैसा कि अर्थ भी करता है। इट हैज एटलीस्ट 10 थिन यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स। इट हैज एटलीस्ट 10 थिन यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ डस्ट। ये इसके चारों तरफ भी रिंग पाया जाएगा। मैंने बताया था कि जोवियन प्लैनेट्स जितने भी होंगे उनके चारों तरफ रिंग पाए जाएंगे। इट हैज 27 नोन सैटेलाइट्स। It is a very cold planet. It receives 370 times less sunlight than Earth as it is far away from Sun as compared to Earth. Its core is very rocky. इनका जो core है वो rocky है. Okay. Neptune.
ये सबसे दूरी पे पाया जाने वाला प्लैनेट है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी। ये विंडी प्लैनेट भी है क्योंकि इस पे विंड बहुत ज़्यादा चलती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं उनकी एक करेक्टरिस्टिक हमें पता चल गई है। तो हम फिर से हाजिर होंगे जल्दी। थैंक यू वेरी